ये दोस्तों मैं आ गया हूँ, अभी हम लोग गिडी की ओर जा रहे हैं। तो रास्ता में आप लोग देख रहे होंगे कितने फूल खिली हुई हरी हरी है, और ये बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग देख रहे होंगे। आगे गाड़ी खड़ी हुई है और अभी हम लोगों का ट्रेन का रफ्तार बहुत ज़ोरों से चल रही है, जिसकी वजह से हवा शायद आप लोगों को सुनाई दे रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे आगे का नज़ारा आप देख रहे होंगे दोस्तों। डीजल इंजन है, देख रहे होंगे। चलिए हम लोग दूसरा स्टेशन पहुंच गए, आप लोग देख रहे होंगे ये है चेत्तुपट्टू, है ना। हाँ, इधर का नाम ही कुछ गजब गजब का है, क्योंकि हिंदी में नाम ही गजब लिखा गया है इधर, इसलिए मैं आपको बता दूं। देख रहे होंगे ये हम लोग चेत्तुपट्टू पहुंचे हुए हैं, और आपको मैं एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन का रूट कहाँ से कहाँ जाती है, उसका यहाँ पर लिस्ट रखा हुआ है दोस्तों। आप लोग इसको देख करके चेन्नई तमिलनाडु में घूम सकते हैं। हाँ, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको एक बार में याद नहीं आएगा तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं। दोस्तों हमारा ट्रेन छूट चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे, और ट्रेन चल रही है। ये हम लोग नुगमबाकम स्टेशन पहुंच गए दोस्तों, अभी लोकल ट्रेन है जिसकी वजह से रुकेगी। आप लोग देख रहे होंगे नुगमबाकम लिखा हुआ आपको मिलेगा। चलिए पार हो गई, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सब देखते रहिए। देखिए ये कोई लोग उतर गए हैं, ये देखिए यहाँ पे कोई लोग आ रहे हैं, ये इधर से हम लोग आ रहे हैं ना। चलिए मैं आपको अभी नुगमबाकम दिखाने वाला हूँ, देख रहे हैं ये है नुगमबाकम, इसका बोर्ड। थोड़ा भी आवाज़ नहीं कर रहा है राजन ने। चलिए दोस्तों इस गाड़ी हम लोग अगला स्टेशन पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे टिटी भाई। दोस्तों इसका मैंने आपको बोर्ड नहीं दिखाया हुआ, अभी आप लोग देखिएगा कोडमबाकम जी दोस्तों, कोडमबाकम। देखिए दोस्तों ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और अभी इस गाड़ी हम लोग निकल चुके हैं कोडमबाकम से आगे की ओर। आप सब देखते रहिए और इसका आनंद लीजिए। चलिए गिडी पहुँच के मैं आपको नए नए चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, आप सब हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों। बाबू मामलों का, चलिए दोस्तों इस गाड़ी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगला स्टेशन पहुँच गए हैं मामलम। जी हाँ, शायद आप लोगों को नया नया लग रहा है ये स्टेशन, कोई बात नहीं है, चेन्नई में ऐसा ही है ना, नया नया स्टेशन का नाम है। तो स्टेशन का नाम